वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का बहुत ही मजेदार नोट्स हिस्ट्री का लेसन टू। बहुत ही आसान तरीका से एक एक स्टेप देखिएगा आपके एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत है और ना ही आपको सब्जेक्टिव रटने की जरूरत है। अगर एक बार ये वीडियो आप देख लेते हैं, अगर जबरदस्त लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये टू लेसन का नोट्स है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। इस लेसन का नाम है साम्यवाद और समाजवाद। आखिरकार ये साम्यवाद और समाजवाद होता क्या है, गौर से समझिएगा और इस लेसन को देखते चलेगा, नोट्स तैयार करते चलेगा, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। हर चीज़ का ट्रिक बताएं हम, हर चीज़ का ट्रिक होता है। यहाँ लिख देते हैं हम फ्रांस, क्या लिख देते हैं हम फ्रांस। फ्रांस का मतलब क्या है, ये तीनों इंसान जो दिख रहे हैं तीनों कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ लिखा है समाजवाद और साम्यवाद, ये आखिरकार क्या है, आखिर ये वर्ड क्यों बना समाजवाद और साम्यवाद, हम क्यों बोले समाजवाद। समझिएगा, समाजवाद या फिर साम्यवाद दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा का अंतर होता है। आखिर समाजवाद और साम्यवाद में ये दोनों का मकसद सेम है। समाजवाद और साम्यवाद एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार का विचार है। जैसे एक इंसान में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक अच्छा कर्म करने का, एक बुरा कर्म करने का। इंसान दोनों काम कर सकता है, वैसे ही इंसानों के दिमाग में दो सोच चलते रहता है, एक है समाजवादी सोच, एक है साम्यवादी सोच। समझिएगा, जो समाजवाद सोच के होंगे, जैसे जो अच्छे विचार के होंगे उसे समाजवाद कहते हैं, और जो थोड़ा सा उदंड विचार के होंगे उसे साम्यवाद कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी बच्चे को घर ले जाना है, तो प्यार से उसको समझाइएगा कि देखो बाबू नाराज नहीं होते हैं, चलो घर। तो ये जो प्यार से समझा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं समाजवाद तरीका से समझा रहे हैं। और दूसरा आदमी बाल पकड़ेगा, चल, एक ही बार में लेकर जाना शुरू कर देगा, तो वो भी तो वही काम कर रहा है। दोनों का काम सेम है कि नहीं, घर पहुंचाना, लेकिन एगो प्यार से ले चल रहा है, एगो बाल पकड़ के ले चल रहा है। तो जो प्यार से लेकर चल रहा है उसे कहेंगे समाजवाद, और जो थोड़ा सा उदंड तरीका से लेके जा रहा है उसे कहेंगे समाजवाद, साम्यवाद। दोनों का मकसद क्या है, समानता लाना, समाज में समानता लाना दोनों का मकसद है। ये दोनों चाहता है कि समाज में ना किसी प्रकार का, मतलब किसी को दुख नहीं हो, कोई किसी का शोषण नहीं करे। ये नहीं कि एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है तो अमीर आदमी हमेशा गरीब आदमी को परेशान करते रहे। अगर ये मजदूर है और जा रहा है फैक्ट्री में काम करने, तो फैक्ट्री के मालिक को उसका शोषण नहीं करना है, उसको समय पे पेमेंट दे देना है, पैसा दे देना है। ये लोग यही दोनों चाहते थे, ठीक है। लेकिन अगर शोषण कर रहा है, एक फैक्ट्री का मालिक अगर गरीब का शोषण कर रहा है, खून चूस रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये दोनों आदमी ये दिन तब क्या होगा, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि आखिरकार जब हम तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं तो तुम हमको परेशान काहे कर रहे हो। तो इसमें दो टाइप के लोग आएंगे, कौन कौन, एगो प्यार से मालिक से जाके बात करें कि तुम हमारा शोषण मत करो, हम मजदूरी कर रहे हैं, और एक आएंगे जो डायरेक्ट झगड़ा करने के विचार में आएंगे। तो ये दो प्रकार का सोच हुआ कि नहीं, तो वही बात है। जब शोषण मुक्त समाज, इनका उद्देश्य दोनों का एक ही है, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं कि सब लोग समान रहें और शोषण मुक्त समाज हो, कोई किसी पर दबाव नहीं बनाए, ठीक है। अगर दबाव बनाएगा तो ये प्यार से बैठ के समझाएगा, आंदोलन करके समझाएगा, और ये तो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो इसी के लिए लड़ेगा, लेकिन पक्का बड़ी मार मारेगा, ठीक है। तो ये बात है, ये कहता है समाज कि अगर हमको कोई परेशान कर रहा है तो हम जा कर के थाना में केस करें, हम कानून का सहारा लें। ये कहता है हमको कानून की सहारा लेने की जरूरत नहीं, हम फरिया लेंगे, ठीक है। ये कहता है कि हम अपना हिसाब किताब कर लेंगे। ये कहता है कि अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हम लोग राज्य का सहारा लें, अपने मुख्यमंत्री के पास आवेदन लिखें, पत्र लिखें। ये कहता है कि राज्य ही तो दोषी है, ये राज्य को अपना दुश्मन समझता है। कहता है अगर राज्य ठीक रहता तो आज हम लोगों को ये सब शोषण नहीं करता। ये राज्य को दुश्मन समझता है, ये राज्य को अपना समझता है। इसमें आदर्श विचारों के लोग होते हैं, मतलब आदर्श, लड़ाई झगड़ा पर भरोसा नहीं, इसमें उदंड लोग ही पाए जाते हैं, बस बिना लड़ाई झगड़ा का काम नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में यही अंतर होता है, लेकिन दोनों का मकसद क्या होता है, सेम होता है। अब सुनिए, आखिरकार इस टाइप के सोच क्यों उत्पन्न हुआ, तो वही बात है। पहले लोग हाथ से काम करते थे, हाथ मशीन नहीं था, तो धीरे धीरे काम करते थे और फिर वो काम करके जो चीज़ बनता था उसे बाजार में बेचते थे। लेकिन जब मशीन आया तो हाथ से काम करने वाले, जैसे मान लीजिए कि अभी दीपावली का अगर माहौल चल रहा है तो उसमें लोग दिया बना रहे हैं, लेकिन सब लोग अगर
फैक्ट्री से बने हुए दीप का यूज करने लगे, दिया का यूज करने लगे, तो आप बताइए कि जो हाथ से बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं? तो बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से एक बार औद्योगिक क्रांति हुई थी, मशीन के आने से बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों की रोजी रोटी चली गई, इस वजह से औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब मशीन का जमाना आया, तो सभी लोगों के पास भुखमरी आ गई। और जब सभी लोगों के पास भुखमरी आ गई तो उसी कंडीशन में 18वीं शताब्दी में समाजवाद का उदय हुआ। भुखमरी आएगी तो फैक्ट्री वाले और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो फैक्ट्री था नहीं। तो जब अमीर आदमी बहुत अमीर होंगे तो छोटे लोगों को दबा रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, जबरदस्ती काम करा रहे थे। और जब जबरदस्ती काम कराइएगा तो लोगों को गुस्सा आएगा, तो दो टाइप के लोग जन्म लेंगे, एक इस विचार के समाजवाद और एक साम्यवाद। तो उसी समय समाजवाद का उदय हुआ, ठीक है। समाजवाद इसीलिए बना जब क्रांति हुई, मशीन आया तो पूंजीपति का मन बढ़ गया। अब देखिए, तो इसमें कुछ समझदार लोग आए थे, कुछ पढ़े लिखे लोग आए थे, जिसमें हम कुछ लिखे हुए हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा समाज को सुधारने वाले लोग फ्रांस से थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। तीन आदमी यहाँ नाम लिखा है, ये तीनों आदमी फ्रांस के थे। ये चाहते थे कि सभी लोग समान रहें, ठीक है। लेकिन किस किस तरीके का सोच था, देखिए, सेंट साइमन पहला व्यक्ति, ये भी कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी। ये याद रखिएगा, पूछता है सेंट साइमन कहाँ के निवासी? फ्रांस के निवासी। ये बोले सेंट साइमन कि चलिए ठीक है, लोग शोषण कर रहे हैं तो एक काम कीजिए ना आप, एक क्षमता के अनुसार कार्य, जा करके कंपनी के मालिकों से गुहार लगाए कि अगर कोई गरीब आदमी आपके यहाँ काम करने आ रहा है तो उसके क्षमता के अनुसार काम दीजिए और उसके कार्य के अनुसार उसका वेतन कर दीजिए। यानी जितना क्षमता है, अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो उसी के लेवल का काम दीजिए, ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा काम ले लें। तो सेंट साइमन बोला है क्षमता के अनुसार कार्य। फॉरियर बोला है श्रमिकों को कस्बों में कार्य करना चाहिए। फॉरियर बोला, समझिएगा, ये भी फ्रांस का है, फर्स्ट से फॉरियर और फर्स्ट से फ्रांस। फॉरियर बोला कि अगर मान लीजिए कि आप फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो मत जाइए ना, ना जाइएगा ना आपको शोषण करेगा। आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको मजदूरी नहीं दे रहा है, आप उसे लड़ाई झगड़ा करें तो क्या जरूरी है उसके यहाँ कामें करने जाना। आप छोटे छोटे कस्बों में काम कीजिए, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री में मत काम कीजिए। यानी कि ये फैक्ट्री में जाने से रोका था, तो जब ये फैक्ट्री में जाने से रोका था यानी ये औद्योगिकरण का दुश्मन था, विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि कभी कंपनी फैक्ट्री आए। ये कहता था कि आप छोटे छोटे फैक्ट्री मतलब कि कस्बों में काम कीजिए। तीसरा था लुई बल्ला, इनका कुछ बातें अलग है। ये बोले एक काम कीजिए, ठीक है आपको जहाँ मन करे काम कीजिए, लेकिन पता है जो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, वो कितना भी आप पर अत्याचार करेंगे आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बोला गया क्यों भाई, क्यों नहीं बिगाड़ सकते हैं? इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि वो अमीर तो हैं लेकिन सरकार का उन पर हाथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार उनके साथ है। अगर तुमको अपना लेवल को बढ़ाना है और तुमको गरीब नहीं रहना है तो तुम सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति से पहले राजनीतिक स्थिति में सुधार करो। तुम ही राजनीतिक में आओ, राजनीतिक तरीका से दिमाग लगाओ, तब जाके ये शोषण मुक्त समाज बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा आर्थिक सुधार से ज़्यादा किस पर बल दिए? राजनीतिक सुधार पर। आइए राजनीतिक में भाग लीजिए, सरकार आपका होगा तो आप गरीबों का शोषण कोई नहीं करेगा। ये राजनीतिक सुधार पर बात किए कौन? लुई बल्ला। अब देखिए, ये तीनों फ्रांस के थे लेकिन इसमें चौथा व्यक्ति ने तो ऐसा कमाल किया कि लोग सोचते रह गए कि आखिर ये चौथा व्यक्ति ने क्या कर दिया। चौथा व्यक्ति यहाँ के नहीं थे, समझिएगा। कहा जाता है कि ब्रिटेन में सब लोग निरंकुश ही है, निरंकुश का मतलब अत्याचारी है, लेकिन देखिए तो ये कहाँ से पैदा एक हो गया। बेचारा रॉबर्ट ओमन था ब्रिटेन का, यानी इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का एक उद्योगपति था, बहुत बड़ा पैसा वाला था, कंपनी का मालिक था, ठीक है। ये बोला अच्छा, यानी कि आप तीनों आदमी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि कंपनी में कामें मत करो, कोई कह रहा है क्षमता के अनुसार काम दो, कोई कह रहा है आर्थिक, कोई कह रहा है पहले राजनीति करो। एक काम करते हैं हम, नया नियम अपनाते हैं, मजदूरों को हम अपने कंपनी में काम करवाएंगे। आज सभी मजदूरों को एक काम करते हैं, कंपनी क्यों किसी गरीब को पैसा नहीं देती है? उसको लगता है कि अगर हम सबसे ज़्यादा पैसा दे देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, इतना पेमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रॉबर्ट ओमन ने कहा, ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटेन उद्योगपति, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में अपना फैक्ट्री खोला, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, श्रमिकों की स्थिति वहाँ अच्छी वेतन दी और सुविधा दी, माने कि गरीब लोगों के लिए
अच्छा पेमेंट दे दिया, अच्छी सुविधाएं दे दी, उनके बच्चे को रहने खाने के लिए सब का व्यवस्था करा दिया। दूसरे कंपनी के मालिक बोला कि बस अभी बर्बाद हो गया, रॉबर्टवा का हो गया बर्बाद हो गया। इतना सुविधा देगा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन पता चला कि जब फैक्ट्री में माल बन गया और बिक गया और उसका कमाई आया, तो पता चला कि उसका मुनाफा 3-4 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी कंपनी के लोग सोचने लगे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, इतना सुविधा सब सुविधा देने के बाद हमको लगा कि इसकी कंपनी डूब जाएगी। इतना ना खर्चा कर दिया है लोगों पर, उतना फैक्ट्री में नहीं खर्चा किया जितना लोगों पर कर दिया, तब तो कंपनी अब डूब गई, तो मामला तो फंस गया। लेकिन कंपनी डूबी नहीं, कंपनी बहुत मुनाफे में हो गई। तो वो बोला कि देखो, रॉबर्ट ओमन बोला कि देखो होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपकी वजह से खुश रहेगा ना तो आप में मन लगा के काम करेगा। कोई गरीब अगर आ रहा है और आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको पेमेंट आप दे दिए, पैसा दे दिए, लेकिन अगर अलग से 150 रुपया दे दीजिएगा ना तो आपसे खुश हो जाए कि नहीं मालिक हमको बहुत मानते हैं, और वो मन लगा के काम करेगा। और वही यहाँ पे हुआ, पूरे संतुष्ट, हर चीज़ से खुश थे। आप किस चीज़ की कमी थी उनके पास, श्रमिकों के पास तो किसी चीज़ का, परिवार का टेंशन तो अब था नहीं, क्योंकि सारा खर्चा कौन उठा लिया था, रॉबर्ट ओमन ने पढ़ाई लिखाई सब का खर्चा उठा लिया। तो अब जब कोई टेंशन नहीं था तो मन लगा के काम किया और कंपनी खूब फायदे में गई। तो इन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, और इनको कंपनी में क्या हुई, लाभ हुई। तो ये देखिए, यही 4 लोगों आ करके, 2 लोग और आए थे वो हम लोग आगे देखते हैं, उसी यहीं से तो कहानी स्टार्ट होता है। पहला व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, पहला व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इनके बारे में जानना है, आखिरकार इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। ये इनको यूटोपियन भी कहा जाता है, आप समझ जाइएगा यूटोपियन क्या है। तो कार्ल मार्क्स इसके बाद है, मतलब ये 1, 2, 3, 4 आदमी आ गए, 5वां आदमी सुधार करने आए थे, माने पूंजीपतियों को रोकने के लिए आए थे कि देख तू ज़्यादा शोषण मत कर, क्योंकि हम लोग लड़ाई किस लिए कर रहे थे, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए। तो 4 आदमी तो लड़के देख लिए, 5वां आदमी आएंगे तो ज़्यादा सुधार होगा। लेकिन इससे पहले कौन आदमी आए थे, 4 आदमी। तो कार्ल मार्क्स के पहले वाले जो 4 आदमी हैं, इन्हीं को कहा जाता है यूटोपियन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन यूटोपियन नहीं है, तो अगर इनमें से 3 को दे दे, कार्ल मार्क्स दे दे, तो ये हो जाएगा ये नहीं है, ये यूटोपियन में नहीं आएंगे। यूटोपियन किसे कहते हैं, कार्ल मार्क्स के पहले जो सुधार करने वाले आए थे उनको यूटोपियन कहा जाता है। ये इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ब्रिटिश उद्योगपति ने कहा कि एक संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक है, तो रॉबर्ट ओमन। ये तीनों कहाँ का था, तो ये तीनों फ्रांस का था, ये आकर के सिर्फ अपना राय दिया कि ठीक रहेगा ना, ठीक है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया, स्वप्नदर्शी। ये खाली सपना देखता था सब, कि काश कस्बा में काम रहता तो वो ठीक रहता, ठीक है। ये बोला कि अगर क्षमता के अनुसार काम दीजिए, बात कहने से नहीं होगा, इन लोगों को ये बतिया समझ में ना रहा था, काम करके दिखाइए, जैसे कि रॉबर्ट ओमन करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ श्रमिकों की स्थिति को सुधार दी, ठीक है। ये लोग सोचता था तो इन तीनों को बोल दिया गया ये लोग स्वप्नदर्शी है, खाली सपने देखता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। अब यहां हम चलते हैं देखने एक ऐसे महान समाजवादी जिनको कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कहा जाता है, इन्हें जिनके आते ही इतिहास का पूरा रवैया बदल दिया। इन्होंने कैसे विचार के व्यक्ति थे, कैसे जन्म हुआ इनको, किससे शादी हुई, बचपन का प्यार इनका कैसे मिला, गौर से देखते चलिएगा बड़ी मजेदार तरीका से। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ, यानी 1818 में बेचारे जन्म लिए, बहुत अच्छा याद करने का है 1818, ठीक है, तरीका से। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, तो स्थान था जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, यानी कि जर्मनी में एक जगह है राइन प्रांत, उसके टियर नगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए पिता हेनरी मार्क्स, जो अब पेशे के वकील थे, वकील जो काला काला कोट पहनता है, लो देखे हो ना, वही वकील थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपना पहले वो यहूदी धर्म के थे, लेकिन धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई धर्म अपना लिए। बाबू ही हर देश में लगभग नियम है, आप जिस धर्म में सफिशिएंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप अपना धर्म बदल सकते हैं। कोई भी धर्म, सब धर्म अच्छा है, लोग बस बिगाड़ देते हैं धर्म के नाम पर, एक दूसरे को लड़ा देते हैं, लेकिन धर्म कोई बुरा नहीं। कोई धर्म आपको बुराई के रास्ते पर बताना नहीं कहती है कि बुराई के रास्ते पर चलिए। यहाँ देखिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और उन्होंने विधि की शिक्षा, ये VVI क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, उन्होंने विधि की शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में की। तो विधि से बी और बी से बोन
विश्वविद्यालय आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मामला फंसता कहाँ है, 1818 में जब जन्म हुए उसके बाद से ठीक 18 साल के बाद, यानी कि जब 18 साल के बाद होगा तो कितना, 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए। 18 साल के जब हो गए तो बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। जब वो पढ़े तो बहुत लोग अलग अलग प्रकार का जाके लाइब्रेरी में किताब पढ़ता है, ये भी जाके किताब पढ़ते थे लाइब्रेरी में, लेकिन किस आखिरकार कौन सी बुक पढ़ते थे, किस टाइप का किताब पढ़ते थे, देखिए इनका बचपन से ही एक प्रकार का दिमाग में मेंटलिटी चलता था कि हमको समाज को सुधारना है, समाज में गरीब तबके के जो लोग हैं जिनका शोषण किया जा रहा है उनमें बदलाव लाना है, यही बेचारे सोच लेकर के और ये चलते थे। ये क्या के किसके विचारों से प्रभावित थे, हीगल के विचारों से, यानी कि कहा जाता है ना कि हर लड़का हर किसी ना किसी टीचर का फैन होता है, तो ये हीगल के सोच से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने राजनीतिक ज्ञान मॉन्टेस्क्यू से लिया, राजनीतिक ज्ञान। अब देखिए समाज में अगर अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ करना है तो देखिए कहा जाता है कि एक पद होना बहुत जरूरी था, अगर आप समाज सुधारने चलेगा समाज आप ही को सुधार दे आपकी वैल्यू बता करके, तो एक नॉलेज होना चाहिए आपके पास ताकि आप किसी के पास बातों को अगर अपना रखते हैं तो उस बातों का वेटेज हो, वैल्यू हो। तो उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक ज्ञान यानी कि राजनीति का ज्ञान विकसित किया मॉन्टेस्क्यू का किताब पढ़ के, और समाज के बारे में सामाजिक ज्ञान किया रूसो की किताब पढ़ करके। उन्होंने समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में गरीब को उठाने के लिए अमीर लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह अगर राजनीतिक आपके पास पावर है और सामाजिक ज्ञान है तो पूरे दुनिया को आप अकेले जीत सकते हैं, यह चीज दिमाग में रखिएगा। अगर आपके पास दिमाग है सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान और पावर है तो इन्होंने मॉन्टेस्क्यू और रूसो से प्रभावित है। अब समझिएगा ध्यान से इनकी कहानी, 1818 में बेचारे का जन्म हुआ, 18 साल के बाद यानी 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद से जब वो 25 साल के हो गए तो अपनी बचपन की मित्र यानी बचपन की प्रियदर्शी किससे, जेनी से विवाह कर ली, बचपन का प्यार इनको मिल गया। अगर बचपन साथ रहेगी जिंदगी के हर शाम में, उम्र महसूस नहीं होगी सफ़र के मुकाम में। अब यहाँ प्यार तो इनको मिल ही गया था, इतिहास तो अब बदलना ही था, जिंदगी में किसी प्रकार का इनको टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस लाइफ में सबसे बड़ी लोगों के पास टेंशन क्या है, स्टूडेंट के पास टेंशन क्या है, क्यों दलदली में धंसते जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो मतलब एक ऐसा स्टेज उसको आ रहा है जो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जा रहा है, लेकिन अगर उसको हासिल कर ले, उसको अगर पा ले रहा है तो क्या करे, हर एक स्टेप पर सुधार करके चलता है। बहुत लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की जिंदगी बदल गई। अब उसके बाद से ठीक इसके एक साल के बाद, जब वो 26 के 25 साल में वो शादी किए और ठीक एक साल के बाद उनके एक फ्रेंड से मुलाकात हुई पेरिस में, कहाँ पे हुई, पेरिस में, इनका नाम था एंगेल्स। आइए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए पूछा है कि उनके दोस्त के मुलाकात उनसे कहाँ हुई, तो वो हुआ था पेरिस में, फ्रेडरिक एंगेल्स नाम था उनका। दोस्त से मिलने के बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि समाज के लिए कुछ किया जाए, हमारी भी शादी हो गई है, थोड़ा सा अब नाम वगैरह कर लीजिए, प्यार मिल ही गया बचपन का, तो ये कुछ दो एंगल्स और क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स, ये दोनों ने मिल करके कुछ योजना बनाई, और योजना बना के समाजवादी घोषणा पत्र 1848 यानी कि शादी के दोस्त बनने के ठीक चार साल बाद, चार साल साथ में रहे, और समाज साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में दिया, ठीक है। आधुनिक समाजवाद के जनक इन्हें कहा जाता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, उसके बाद से मार्क्स ने कहा कि कुछ और हमको ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया कि समाजवादियों एक बाइबल कहे जाने वाले किताब की रचना की जिसका नाम था दास कैपिटल 1867 में। ये सब किताब बहुत ही मोटिवेशनल किताब था, ये गरीबों को उठाने के प्रति, अगर एक बार इसको कोई पढ़ दे तो अमीरों के प्रति एकदम क्रांति ला देगा, अमीरों को लोग भगाने की कोशिश करेंगे, पूंजीपतियों को हटाना पड़ेगा, इस तरह से इसमें मोटिवेशन डाला गया था ताकि एक बार पढ़ने के बाद गरीबों के प्रति जुनून जाए कि अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। ऐसा किताब था दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए 1867, एक बार में डेट याद हो जाएगा, ऐसा आसान ट्रिक है। यहां देखिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है। द्वंद्वात्मक मतलब दो वर्गों के बीच जिस तरह संघर्ष होता है ना, द्वंद्वात्मक, ठीक है। भौतिकवाद का वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष हमेशा दो वर्ग में संघर्ष हुआ, ये आप जानते हैं। जब राजा महाराजा थे तो प्रजा और राजा में संघर्ष तो दो ही आदमी के बीच हो रहा था, ठीक है। जब अंग्रेज था लो तो अंग्रेजों और भारतवासियों के बीच अपने यहाँ होता था अगर, ठीक है। इस हिसाब से हमेशा किसका वर्ग संघर्ष था। इतिहास का भौतिकवाद व्याख्या, इतिहास की व्याख्या करने से
क्या ज्ञान मिलता है, पता ये चलता है कि लोग जब गुलाम हुए थे तो क्या वजह था। आज वो गलती नहीं करेंगे तो गुलाम नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखिए मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, अलग अलग मूल्य के सिद्धांत दिए, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के। राजशाही व वर्गहीन समाज, यानी कि कार्ल मार्क्स चाहते थे कि राजशाही जो राज्यहीन, यहाँ राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज, यानी कि किसी प्रकार का राजतंत्र नहीं रहना चाहिए, एकदम लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राज होना चाहिए, राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। वर्गहीन, किसी भी प्रकार के वर्ग पर, एक वर्ग जैसे छोटे जात के लोग, बड़े जात के लोग, इस सब प्रकार का जितना भी ये सब नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा जात नहीं होना चाहिए, सभी वर्ग समान होना चाहिए। अपना सिद्धांत पांच को अपना विचार रखे हैं, ठीक है। विचार रखने के बाद ये चरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेशन पूछता है, परिभाषा पूछता है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समंती युग क्या है, साम्यवाद क्या है, ये सब पूछते रहता है। तो ये आपको जान, आदि साम्यवादी युग, आदि मतलब जब आदि काल था, जब आदि मानव थे, उस समय के युग के बारे में इन्होंने छह चरण दिया। दासता का युग दिया, यानी कि जब लोग दास समझते हो, यानी कि अमीर लोग दास दासी बना के रखते थे, नौकर बना के हम जब गरीबों को रखते थे, उस समय का बात कर रहा है। तो ये छह चरण है। समंती युग, बहुत पहले समंती युग था, पैसे रुपये वाले लोगों को सामंत बोला जाता है, जो हर तरह से परिपूर्ण थे, हर तरह की सुख सुविधा उनके पास है, उन्हें समंती युग था, पूंजीवादी युग था, ठीक है, सब पैसे वाले लोग थे। लेकिन बाद में आया समाजवादी युग, ठीक है, यानी समाज में किसी प्रकार का शोषण, किसी गरीब को नहीं सताया जाएगा। समाजवादी लोग काफी क्रांतिकारी थे, और साम्यवादी लोग, इसी का मतलब उदंड वाला भाई ये है साम्यवादी। इसमें क्या होता था, अगर कोई अमीर व्यक्ति सता रहा है, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्यार से समझाएंगे, ये लातम जुतम करके, यानी कि मारपीट करके समझाएंगे। आप समझ रहे हैं, यहां देखिए ये चरण छह हो गया, सिद्धांत कितना, सिद्धांत पांच है और चरण आपका छह है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब ये सोचे कि इस तरह से भी समाज नहीं सुधारा है, गरीब तबके के जो भी लोग हैं, इन लोगों के अंदर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है अमीरों के प्रति, कुछ खास करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, सभी गरीबों को बुलाया जाए, जो भी मजदूर वर्ग हैं, जो भी मिडिल क्लास के, सबको बुलाया जाए, आज हम मीटिंग लेते हैं और आज उनको हम समझाएंगे कि आखिर तुम लोग के अंदर क्यों, तुम लोगों का खून नहीं खोल रहा है भाई, क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम क्यों अमीरों से डर रहे हो, क्यों पूंजीपतियों से डर रहे हो, उनके पास कुछ नहीं है, एक बात बताओ, तुम उनसे लड़ोगे तो तुमसे वो क्या छीन लेंगे, तुम्हारे पास वैसे भी जमीन नहीं है, अगर तुम उनसे लड़ोगे, अगर तुम उनसे मुकाबला करोगे तो तुम एक ही चीज हार सकते हो, अपने पैरों की बेड़ियों को हार सकते हो, यानी कहने का मतलब है कि तुम अपने आप को आजाद करा सकते हो, उन्होंने कहा। अब देखिए वो जब मीटिंग बुलाए, कब बुलाए, 1864 में, उस मीटिंग का नाम था प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, याद रखिएगा 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बोला है, ठीक है। उसमें मजदूरों को प्रोत्साहन का प्रयास, मजदूरों को मोटिवेट, बात करके मोटिवेट करने की कोशिश की है। अब देखिए और वो बोले अपनी मुक्ति अपने प्रयासों से, अगर तुम आजाद होना चाहते हो, कार्ल मार्क्स बोले अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो तुम खुद के प्रयास से आजाद हो सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें आकर के सिर्फ समझा सकता है कि हाँ पूंजीपतियों के प्रति अपने अंदर गुस्सा रखो, उनके काम मत करो, लेकिन तुमको खुद प्रयास करना पड़ेगा, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी मुक्ति अपने प्रयासों से तुम कर सकते हो, ठीक है। और नारा क्या बोले, नारा ये बोले, यहां देखिए, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। जब काम कहीं करने जाओगे तो सबसे पहले मालिक जो है उससे अपना अधिकार मांगो, अधिकार मांगो कि हम मजदूर हैं और हमारा ये अधिकार है, हमको ज़्यादा शोषण नहीं किया जा सकता है, हमको आप सता नहीं सकते हैं, हम दूसरे जगह भी काम कर सकते हैं, ये अपने दिमाग में रह के और तब अगर चलते हैं आप तो काफ़ी आगे जाएंगे। यानी कि अगर अधिकार नहीं है तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमको हमारा अधिकार दीजिए, समय पर मजदूरी दीजिए, हमको रहने और खाने का व्यवस्था कीजिए, यानी हमारा अधिकार दीजिएगा, यानी तब कर्तव्य हमारा है कि हम आपकी सेवा करेंगे, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अगर अधिकार नहीं तो कामो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में समझा दिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ एक बार फिर हुआ, मीटिंग फिर हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि ये जब 89 में, इससे पहले 83 यानी 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी। अब 89 में मीटिंग करेगा कौन, तो जिन लोगों को समझाए थे उसी में इनके बातों से, कार्ल मार्क्स के बातों से बहुत लोग चलाक हो गए थे, तो बोले कोई बात नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं रहे, उनका अभी भी चेला लोग हैं, यानी उनके समझाए हुए जो विशिष्ट लोग, वो अंतर्राष्ट्रीय संघ करेंगे, वो अब नियम को बदलेंगे, वो अब
पूंजीपतियों को दबाएंगे। कार्ल मार्क्स नहीं रहे तो क्या हुआ, उनके दिए हुए ज्ञान अभी भी हमारे दिमाग में है। और उसके बाद से 89 में उन्होंने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बुलाया पेरिस में, ठीक है, 20 देशों को मोटिवेट लगभग कर चुके थे, 20 देश थे और उस 20 देश के 400 लोग उसमें आए हुए थे, कहीं कहीं के 400 प्रतिनिधि, जिनको बोला जाता है मार्क्सवादी, यानी कि मार्क्स ने इनको समझाया था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मजदूरों के लिए ये लोग भी लड़ाई किए, क्योंकि इनके गुरुजी जब कार्ल मार्क्स थे वो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, तो इन्होंने 1 मई को काफी मतलब कि भीषण आंदोलन किया था, अमेरिका में भी ये हुआ था आंदोलन, मजदूर आंदोलन, तो इसीलिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मजदूरों को ज्यादा खटने की जरूरत नहीं, पहले क्या पूंजीपति लोग अब मजदूरों को क्या करते थे कि बहुत ज्यादा काम, 18-18, 20-20 घंटा काम कर रहे थे, एक फिक्स मजदूरी तय की गई कि मात्र 8 घंटा ही मजदूरी करना है, तो 8 घंटे का कार्य। और अंतर्राष्ट्रीय इसका सचिवालय कहाँ, ब्रुसेल्स में खोला गया, यानी स्थापना हुआ इसके सचिवालय का, कि किसी प्रकार का अगर मजदूरों को परेशानी है तो जा करके सचिवालय में कंप्लेन करें और उस पर पूंजीपतियों पर यानी कि बड़े लोगों पर मतलब उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस हिसाब से ब्रुसेल्स में क्या किया गया, यहाँ पे सचिवालय की स्थापना कर दी गई। तो ये पूरा रहा ब्यौरा कार्ल मार्क्स के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, बेचारे यहाँ डायरेक्ट डेट याद करेंगे, 1818 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, 18 साल के बाद यानी 1836 में क्या हुआ, ये बर्लिन विश्वविद्यालय पढ़ने के, पढ़ाई लिखाई कर लिए, तो देखे कि अब तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हो गए हैं, तो बचपन की प्रेमिका तो है ही, शुरू से पटा के रखे हैं, तो क्या करते हैं, जब 25 साल के हुए तो 1825 में इन्होंने अपने 43 में इन्होंने क्या किया, अपने बचपन के मित्र से शादी कर ली, जिनका नाम जेनी था, जेनी को इन्होंने जानू बना लिया, ठीक है। इसके ठीक एक साल के बाद यानी 1844 में क्या हुआ, इनके दोस्त एंगेल्स मिल गए और इन्होंने 4 साल तक काम किया, और 1848 में इन्होंने क्या किया, समाजवादी घोषणा पत्र दिया। फिर 1867 में बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल, दास कैपिटल की स्थापना की। और बेचारे यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया आपका 67 तक, और फिर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 64 में हुआ, और फिर बेचारे 1883 में ये नहीं रहे, यानी बेचारे डेथ कर गए। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 इनके मोटिवेशनल के द्वारा जो प्रभावित थे उन्होंने किया। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और फिर हम लोग देखते हैं सबसे जबरदस्त इस लेसन का टॉपिक जो एग्जाम में हर बार रहता है, इसमें से बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, इसमें सब आपको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फाइनली इनके बताए गए प्रत्येक टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों पास जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने पास रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों से भी रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरीके का कंटेंट जो भी है उस तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।